आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड एडिटिंग शो में। और आज मैं आपके सामने लेके आया अपनी नई वीडियो, और ये हमारा इवनिंग स्नैक्स का मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आइए दिखाते हैं जो मैंने सर्व किया अपने वीडियो में। तो आप ये देख सकते हैं, ये है इवनिंग स्नैक्स है, ये हमारा है ब्रेड पकौड़ा। ये थोड़ा शेप डिफरेंट है बिकॉज नॉर्मली जो होता है ट्रायंगुलर होता है, ये हमने स्क्वायर बनाया है, छोटे छोटे बनाए हैं। ये भी हमारा ब्रेड पकौड़ा है, ये हमारा है ब्रेड रोल है, और इसको सर्व किया है चटनी के साथ और सॉस के साथ और चाय है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं खाना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और जो सबसे बेल आइकन सबसे ऊपर ऑप्शन आता है उसको प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट हम ट्राई करते हैं जो हमारे ब्रेड पकौड़े हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर से इसमें स्टफ कर रखा है, ये आपको दिखाते हैं। ये हमारा है, इसके अंदर मटर है, आलू का जो मैश करके करते हैं वो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉस से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और अब हम ट्राई करते हैं चटनी के साथ, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। पुदीने की चटनी बनी है, ये होममेड है, और चटनी के साथ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो आइए दोस्तों, अब ट्राई करते हैं ये जो हमारा ब्रेड कटलेट है इसको। तो ये भी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देख सकते हैं ब्रेड रोल है, ये इसके अंदर स्टफिंग है, शिमला मिर्च है, मटर है, और नॉर्मल जो मिर्च होती है वो भी डाली है, हरी मिर्च, आलू है, सबको मैश करा है, मसाले के साथ मिक्स करा है और उसे फ्राई कर दिया है। और आपको अगर इसकी रेसिपी आप घर में बनाना चाहते हैं खुद, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया इसका। रहा दोस्तों ब्रेड पकौड़ा है, उसका भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, जा सकते हैं लिंक पे जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप भी बना सकते हैं। और एक और हमारा है ब्रेड पकौड़ा, तो आइए अब इसको भी ट्राई करते हैं। Thank you.
देख सकते दोस्तों, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।